साल 1990 में वायुसेना कर्मियों की हत्या का है मामला और कोर्ट ने दिया यासीन मलिक के खिलाफ सुनवाई का आदेश। टाडा कोर्ट ने भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या के मामले में 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी हैं। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक स्थगित कर दी थी। आपको बता दें कि 1990 में वायुसेना के 5 जवानों की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में शामिल अलगाववादी नेता यासीन मलिक अब तिहाड़ जेल में है और इस केस की सुनवाई जम्मू के टाडा कोर्ट में चल रही है। 1990 से जमानत पर चल रहे यासीन मलिक को कुछ महीने पहले ही पकड़ लिया गया था और यासीन को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में भी पकड़ा है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर शहर में वायुसेना कर्मियों की हत्या की वारदात हुई थी और साल 1979 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण मामले में भी यासीन आरोपी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की ओर से 1990 में ही 2 मामलों का चालान पेश किया जा चुका है और 1995 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया था और साल 2008 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने की याचिका भी दायर की थी, लेकिन अप्रैल 2019 में सीबीआई ने यासीन की याचिका को चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।